सिवनी जिले के धुमा वन परिक्षेत्र अंतर्गत सलैया ग्राम के लोगों ने वन भूमि के प्लांटेशन एवं रोड के किनारे में झोपड़ी नुमा 10 से 15 टपरे बनाकर कब्जा कर लिया था, जिसे कल धुमा वन विभाग के कर्मचारियों ने जाकर इस अतिक्रमण को हटाया। जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण हुई, पर आज अचानक सलैया गांव के ग्रामीण धुमा वन परिक्षेत्र कार्यालय पहुंचे और वहां उपस्थित वन कर्मियों के साथ गाली गलौज करते हुए महिलाओं ने चप्पलों से पिटाई कर दी। इस पूरे मामले में की भनक पुलिस को लगी, परंतु धुमा पुलिस मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, इस विवाद को टालने में सफल भी हुए। अगर धुमा पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो निश्चित ही बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती थी। ग्रामीणों की मांग है कि हमारे टपरा जहां बने थे वहां भूमि पर उसे हमें पट्टा दिया जाए। जब वन परिक्षेत्र अधिकारी से हमारी बात हुई कि यह पूरा मामला जो आपके वन व कर्मियों के साथ घटित हुआ है, इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, जिसमें अधिकारियों का कहना है कि मैं सुबह ग्रामीण के ऊपर हम FIR करवाएंगे, विभागीय कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज़। उनको बिजली का जब्ती किए, वहाँ पे उनका जो सामान था वो सामान को भी फेंक फाक के नुकसान पहुँचाए, पैसे भी थे वहाँ पे। कर्मियों पे हमला हुआ, ये क्या मामला है सर? देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी कि फॉरेस्ट का जो रेंज ऑफिस है वहाँ पे कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। तो मैं वहाँ जब मैं मौके पे पहुँचा तो कुछ ग्रामीणों ने हमें बताया कि फॉरेस्ट विभाग द्वारा ग्राम सलैया में अतिक्रमण की जो कार्रवाई की गई है वो वैधानिक नहीं है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसी बीच में कुछ ग्रामीणों द्वारा फॉरेस्ट के कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की गई है, उसकी शिकायत अभी तक फॉरेस्ट की ओर से अभी तक हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है की जाएगी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन के बाद गोंडवाना पार्टी के नेताओं द्वारा उनके सहयोगियों के साथ मिलकर मुझे चार ज्ञापन मुझे दिए गए अलग अलग मांगों से संबंधित, वो मैंने ज्ञापन लेके वरिष्ठ अधिकारियों को मैं प्रेषित कर दूंगा।